हमारे रहनुमाओं ने, हमारे उलमा ने जो है कुर्बानियां दी है, सूली पर चढ़ गए हैं, दार पर चढ़ गए हैं और सलाखों की सोहबतों को उन्होंने छेड़ा है। आज वही मुसलमान से आज की हुकूमत कहती है कि तुम एनआरसी में जांचे जाओगे। एनआरसी क्या, पहले क्या था, अब सीएए हो गया और एनआरसी, एनआरसी क्या है, हमसे नेशनल यानी सिटीजन होने का वो सर्टिफिकेट देना चाहती है। और मुसलमानों किसी के पास अगर वो सर्टिफिकेट अगर नहीं रहा, दस्तावेजात नहीं रहे, तो शहरी कहलाने का हक नहीं है, वो शहरी नहीं कहलाएगा, फिर डिटर्जेंट हाउस में उसको पहुंचा दिया जाएगा। और जो बना गया ना, आसाम में भी बना हुआ है, कई करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए, उसका डिटर्जेंट हॉल का क्या है मालूम है आपको, वो जो है जेल से भी लेने की गुंजाइश है, वहां पर 50,000 आदमियों को भी रखा जा सकता। और ये इस वक्त में जो है वही जो है हिटलर जो किया था, आज हिंदुस्तान की हुकूमत वही हिटलर बनकर वही कानून को हम पर नाफिज करना चाहती है। लेकिन प्यारे सुनो, हमको जरूरत है, अब उसके लिए क्या है, दस्तावेजात देना, हमारे सर्टिफिकेट देना। हम पूछते हैं, अरे हमारे मुल्क, अरे हमारे प्यारे हिंदुस्तान, हमने यहाँ पैदा हुआ तो तेरे ही बाशिंदे हुक्मरानों ने हमारे सर्टिफिकेट बनाए थे, कलेक्टर से जाके पूछो, हमने पैदा हुआ था तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया था, बल्दिया में जाके पूछो, अरे हमसे नहीं गवर्नमेंट के मोहतमों से पूछो कि उन्हें आज तक किस किस को पैदाश की सर्टिफिकेट दिया है, हम रखे या ना रखे। और मुसलमान जो है कागजात पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपने हुब्बुल वतनी पे उसका नाज है, हुब्बुल वतनी पे नाज है। तो प्यारे, इस दौर के अंदर जो है आज ये कहा जाता है कि तुम वो बताओ, तुम ये बताओ, लेकिन आज सारे हिंदुस्तान के अंदर कई मकामात ऐसे हैं, हमारे नौजवानों को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के ऊपर अंदर घुस करके जो जो है बर्बादियत किए हैं, वो सारे जहां ने देखा, गैर ममालिक वाले भी लानत भेज रहे हैं यहाँ की हुकूमत पर। अरे जो हिंदुस्तान को अल्लाह तबारकुल्लाह ये वक़ार दिया था, ये इज्जत दिया था, ये इसके नामोस पे मिटा रही हुकूमत, अरे सारे मुल्कों में हिंदुस्तान ऐसा देखा जाता था कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है तो जमहूरी हैसियत हिंदुस्तान की सरजमीन को हासिल है। आज उसी हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्यारे, जरूरत है हमको डरने की नहीं है, बल्कि हमारे अंदर इत्तेहाद, हमारे अंदर जो है